बड़वानी जिले के स्थानीय शहीद भीम नायक कॉलेज में हॉकी ग्राउंड में कई वर्षों से बुनियादी व्यवस्था है, जिसमें प्रकाश, पानी व टर्फ जैसी व्यवस्था नहीं थी, जिसे लेकर कलेक्टर अमित तोमर द्वारा हॉकी मैदान का जायजा लेते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुशल सिंह डोडवे को तत्काल आदेश देकर प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। कहते हैं न देर से ही सही, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा ही कुछ जिले के हॉकी ग्राउंड पर हुआ, जब नन्हे मुन्ने बच्चे हॉकी खिलाड़ियों का दर्द जिला कलेक्टर अमित तोमर के समक्ष आया। हॉकी ग्राउंड पर सभी सरकारी व निजी स्कूल के 80 से 100 बच्चे हॉकी खेलने आते हैं, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो जाने से खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन हॉकी प्लेयरों के एक छोटे से निवेदन पर कलेक्टर अमित तोमर द्वारा हॉकी ग्राउंड का निरीक्षण कर नगरपालिका सीएमओ को तत्काल एलईडी लाइट ग्राउंड पर लगाने का आदेश दिया, जिस पर नगरपालिका सीएमओ कुशल सिंह डोडवे द्वारा हाथों हाथ शाम होने से पहले लाइटिंग लगवा दी गई, जिसमें शाम होते ही हॉकी मैदान पर रोशनी देख हॉकी प्लेयर खुशी से फूले नहीं समाए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। चंद्रमणि राजकुमार ठाकुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। आप जो लाइट लगा है, कैसा फील कर रहे हैं और उसके पहले क्या स्थिति थी? बहुत अच्छा फील कर रहे। पहले बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता और हमारी स्कूल से बहुत लेट छुट्टी होती थी, तो इसलिए हम लेट आते थे और जल्दी फिर यहाँ से ग्राउंड से चले जाते थे। आपका और सिलेक्शन हुआ है? हाँ हुआ है। कहाँ के लिए? नेशनल। तो अब खेल में अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी आप लोगों की? हाँ, और अच्छी हो पाएगी। सर, यहाँ पर ग्राउंड पर बहुत सारी समस्याएं थी। लगातार यहाँ पर लगभग 100 बच्चे डेली प्रैक्टिस करने आते थे। जो बच्चे स्कूल डेली जाते हैं, लगभग 5:30 बजे समथिंग ग्राउंड पर पहुँचते हैं। उसके बाद अभी के टाइम में अंधेरा जल्दी हो जाता था, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी लाइट की, जो कलेक्टर साहब ने आज आकर इस समस्या का निराकरण कर दिया। सभी बच्चे थैंकफुल है, सभी धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे छोटे से निवेदन पे कलेक्टर साहब ने इस समस्या का निराकरण कर दिया। 80 से 100 बच्चे करीब डेली आ जाते हैं सुबह शाम में, और 2 शिफ्ट में ग्राउंड चलता है। यहाँ पर खेल परिसर के बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज के आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आ जाते हैं, गर्ल्स कन्या के बच्चे आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छे झील मतलब नगर के और ग्रामीण के सारे बच्चे यहाँ एक बार असेंबल हो जाते हैं और हम लोग उनको कोचिंग करते हैं। इसी साल हमने करीब 27 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करवाया है। क्या लगता है, छोटा जिला है और प्रोत्साहन यहाँ पर मिले तो बहुत अच्छा। हाँ, जिस हिसाब से इस बार कलेक्टर साहब ने छोटे से निवेदन पे हमारी ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया कि हम लोग जहाँ 1 घंटे प्रैक्टिस कर पा रहे थे, आज हम लेट नाइट तक ग्राउंड चलाएंगे, जिससे हमारा अचीवमेंट बढ़ेगा और भविष्य में और अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके लिए हम पूरा जिला हॉकी संघ, खेल योग कल्याण विभाग, खेल परिसर बड़वानी, कन्या और पूरे जितने भी बच्चे हैं, दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। कलेक्टर साहब हमेशा यही उनका रहता है कि कुछ भी समस्या आप मुझे बताइए। उनका यही है कि गांव का सपने शहर का नाम रोशन हो और स्पोर्ट्स में बड़वानी एक हब बने, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सभी पे उनका एक बराबर नज़रिया। अभी यहाँ से करीब 2 बच्चे हॉकी एकेडमी ग्वालियर में चले गए हैं, जो कि कभी भी इंडियन कैंप में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से काफ़ी अच्छे बच्चों को भारतीय स्तर पर पहुँचाने की कोशिश करें और इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो आई प्रॉमिस यू मैं बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा। और एक छोटा सा निवेदन ये कि यदि प्रशासन हमारे को एक्स्ट्रा टर्फ भी उपलब्ध करा दे तो और अच्छी सुविधाएँ, हम लोग बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं गेम्स में। आज हॉकी ग्राउंड का भी निरीक्षण किया गया है और ये हॉकी खेलने वाले बच्चे और उनकी कोच के द्वारा वहाँ एक मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी कि शाम को वहाँ लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और उसी तारतम्य में आज सीएमओ के साथ निरीक्षण किया है और सीएमओ को निर्देशित किया है कि वो वहाँ लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करें और होपफुली अगले 3 दिनों में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, जिससे बच्चों को वहां पर और अधिक सुविधा मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।